गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही गदर 2 को मिल रही अपार सफलता के लिए फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा, बेटी और बेटे उत्कर्ष के साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी जनता का आभार जताने मथुरा पहुंचे। आपको बता दें कि गदर 2 सिनेमाघर में धूम मचाए हुए आलम यह है कि एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी लोगों को सहज टिकट उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी बीच सबके बीच इस फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता अनिल शर्मा मथुरा पहुंचे, साथ ही उनके पुत्र उत्कर्ष उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर राजा धीराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तद उपरांत वे विश्राम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना माँ का पूजन किया और आरती उतारी। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक महेश पाठक के द्वारा उनको यमुना पूजन कराया गया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से मुताबिक होते हुए अनिल शर्मा ने बताया कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें काफ़ी समय बाद दर्शन एवं पूजन करने का अवसर गदर फिल्म अपार सफलता के साथ करने को मिला। वहीं पत्रकारों के द्वारा उनसे यह सवाल किया गया कि 22 साल इंतजार करने के बाद गदर 2 की कहानी आपके द्वारा लाई गई, आखिर इतने सालों तक आप क्या सोच रहे थे, तो क्या कुछ कहा अनिल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूजन क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत भाग्यशाली हूँ, यमुना जी का पूजन करने का अवसर मुझे मिला। ये गदर 2 की सफलता से भी बहुत बड़ा खुश है। 22 साल ऑलमोस्ट 22 साल बाद हमने देखा है कि सीक्वल बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन 22 साल तक अनिल शर्मा जी क्या सोचते रहे? माइक ले लो सर, माइक का बात। 22 साल तक कथा नहीं आई, यमुना जी ने कृपा नहीं की, कथा नहीं मिली। जब कथा मिली तो आगे, मैं तो हमेशा से बनाना चाहता था। अब टॉप पर भी 30 साल के बाद आई टॉप न्यूज की, तो ऐसा है कि जब कहानी आएगी तब आएगा। गदर 1 पहला जो शुरुआत थी और गदर 2, दोनों आप में, दोनों में से कौन सी ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो आपके ज़्यादा नज़दीक है? दोनों ही मेरे नज़दीक है, दोनों ही बहुत खुश से बनाई है। तो ये कैसे दो बच्चे हैं आपके, कैसे कह दो एक अच्छा और एक बुरा, दोनों बहुत कमाल है। गदर 1 थी तो गदर 2 है, गदर 2 है तो आगे भी कुछ होगा। पहले एक जब आपके पास सफलता होती है तो उसे दोहराने का एक चैलेंज होता है, ऐसा लगता है कि हम इसको रिपीट कैसे करें, तो ये बड़ी चुनौती थी। समय बढ़ गया था, सनी पाजी आगे बढ़ गए थे, अमीषा आगे बढ़ गई थी। मैं ऐसे सोच रही हूँ, मेरा सोचने का तरीका ये कथा आ गई और कथा सही है तो सफलता ईश्वर अपने आप देगा, क्योंकि ईश्वर ने सही कथा दी है। सही कथा ईश्वर दे देगा तो ये इस बात का सबूत है कि ईश्वर चाहता है कि हम सफल हो। पर सर 300 क्लब में आप आ गए, 300 करोड़ के क्लब में, और कोई 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 सर 600 में भी आने की हम यहीं से कामना कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने गृह क्षेत्र में हैं। ईश्वर की गंगा भैया की, लेकिन कोई हमने कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखा, कोई हमने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं देखा, कैसे एकदम आसानी से चलते चले गए? पब्लिक को पसंद आ रहेगा, गदर मेरी फिल्म नहीं है, गदर आप सबकी फिल्म है, एक एक पत्रकार की फिल्म है, एक 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 व्यक्ति की फिल्म है, हर व्यक्ति का इमोशन है। गदर के संग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं वो सब गदर के संग बड़े हुए हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने गदर में बहुत तालियां बहुत सीढ़ियाँ बनाई हैं, और जैसे ही गदर 2 का अनाउंस हुआ उनके अंदर का एक्साइटमेंट बढ़ गया, क्योंकि गदर मेरी तो है ही नहीं, मैं तो एक डाकिया हूँ भगवान का, जिससे कहा गया कि एक पोस्ट है, आपको एक डाक दिया है, आपको एक कुरियर दिया है, इसको पब्लिक तक पहुँचाओ, बस इतना ही मेरा काम है। सर गदर 3 कब आ रही है? अभी तो गदर 2 का आनंद लो, फिर गदर 3 की बात करें, लिख तो दिया है 2 की कंटिन्यूटी, समय इंतजार तो करें। सर गदर 2 ने पाकिस्तान में गदर मचाया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, वो मैं उस पर अपनी नज़र नहीं गाड़े हुआ, मेरी नज़र से भारत में है, तो मैं नहीं जानता वहाँ क्या हो रहा है। मैंने तो किसी के खिलाफ फिल्म बनाई नहीं है, सबको संग साथ रखा है, पाक पड़ोसी जैसा करेक्टर रखा है, कुरबान खान जैसी अच्छी फैमिली रखी है, मुस्कान जैसा एक किरदार रखा है, तो मैंने तो किसी एक व्यक्ति विशेष ही रखा है, जो कि थोड़ा सा जिसकी अपनी कहानी है, जिसका अपना मकसद है। बाकी तो मैं किसी ना देश के खिलाफ हूँ, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ हूँ, मैं तो सिर्फ एक कथा बना रहा हूँ, एक कथा जो रोमांचित होकर सबको आनंदित करे। आगरा में पिक्चर चल रही थी आपकी गदर, उस समय उदम हुआ था, हॉल में उदम हुआ था, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अभी तो नहीं हुआ ना, इसी गदर 2 में गदर हुआ होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। मैं तो आज जा रहा हूँ आगरा। ऐसा सब मैं सोचता नहीं हूँ, एक तीर और निशाने। फिल्म वाले जब हम फिल्म बनाते हैं, मथुरा से जब फिल्म बनाने गए थे तो ना कोई तीर लेके गए थे, ना कोई निशाने लेके गए थे, हम तो फिल्म बनाने गए थे, फिल्म के जुनून के साथ गए थे। इन्हीं गलियों में मैं पला बढ़ा, यहाँ आते हुए कलाकारों को मैं अपने बाबा के पास देखता था, और मैं देखता था इनके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती, ये कौन है,
कि कौन सी दुनिया की होगी, तो बस वो दुनिया मुझे ले गई अपनी तरफ और यमुना जी ने कृपा की, बजरंग बली की कृपा हुई, भोले बाबा की कृपा हुई और सब अच्छा हो गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि भाई ब्रजमंडल से हम हैं और ब्रजमंडल कृष्ण कन्हैया की नगरी है, कलाकार की नगरी है। कृष्ण कन्हैया से बड़ा कलाकार तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा तो है नहीं। कितनी जिंदा है वो कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो उनकी धरती से भी ये होना ही किया। वहीं इस मौके पर उत्कर्ष शर्मा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैं जनता का बहुत आभारी हूं, जैसा कि मुझे पता चला कि मथुरा की सिनेमाघरों में अभी तक मेरी फिल्म हाउसफुल जा रही है, इसके लिए मैं ब्रजवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं राधे राधे के जयकारे के साथ उत्कर्ष ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मथुरा से हमें एक खबर आती है कि हाउसफुल पे हाउसफुल जा रही है पिक्चर, आज भी टिकट मांगे नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनता का और ख़ासकर कि हमारे बाकी भी आए थे, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये कहानी हमें एक ऐसे समय में मिली जहाँ पे सिनेमा बहुत कठिनाइयों से गुजर था और सिर्फ उनकी कृपा है जो एक इतनी सुंदर एक इतनी इमोशनल कहानी हमें मिल गई और पब्लिक को भी वो पसंद आ गई। तो बस मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। आपकी शुरुआत है, बड़े बड़े हीरो आपके सामने पड़े हैं, उन्हें कैसे चैलेंज कर पाओगे? जी देखिए कंपटीशन वाला मैं वैसे सोचता नहीं। इस इंडस्ट्री में नाम शोहरत पैसे पोजिशन सब मिल जाता है, अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती, तो मैं बस अच्छी कहानियाँ तलाश रहा हूँ। एंड गदर 2 जब आई उस समय मैं कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा था, पापा कुछ और कर रहे थे, तो वो कहानी इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने वो अपने अपने काम छोड़ दिए और इसी में पूरा फोकस रखा। तो ऐसी कहानियाँ जब मिलती हैं तो फिर यही गदर बन जाता है। देखिए जो अच्छे कलाकार होते हैं उनके साथ काम चुनौती का नहीं, काम आसान होता है, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी जब आपके सामने है तो आपकी पार्टनरशिप इजी हो जाती है, क्योंकि वो आपको इतनी एनर्जी देते हैं, आपको आपके से दुगनी तिगनी शक्ति से काम करते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान, हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, कोली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा, मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुणे आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रडिन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए,
IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।